गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से खबर है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सपा का राजनीतिक प्रस्ताव पास हो गया है। सपा ने भाजपा पर विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप लगाया, जानबूझकर विपक्ष पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। सपा का कहना है कोलकाता से अखिलेश यादव की लखनऊ वापसी होगी आज और जल्द सपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करेगा। तो कोलकाता में कार्यकारिणी की बैठक चली थी, दो दिन लगातार ये बैठक चली, कई दिग्गज पूरे देश भर से वहां पर जुटे थे। 12 साल बाद कोलकाता में इस तरह का मिलन समारोह हुआ था और साथ ही साथ 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तय की गई और उसी कड़ी में अब जल्द ही सपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने वाली। और अब बात करेंगे अखिलेश के मिशन प्रधानमंत्री, बंगाल से 24 की किलेबंदी, क्योंकि गंगा के आखिरी छोर पर हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा दिया, क्योंकि अखिलेश ने भाजपा को यूपी की सभी 80 सीटों पर हराने की बात कहकर माहौल गर्मा दिया है। वहीं ऐलान कांग्रेस को लेकर किया कि जिससे साफ हो गया कि जो मोर्चा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी बना रहे हैं उसमें कांग्रेस नहीं शामिल होने वाली। अखिलेश का मिशन प्रधानमंत्री, बंगाल से 24 की किलेबंदी, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर। एक्शन में दिखे अखिलेश, भाजपा के लिए कांग्रेस वाला संदेश, रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। राहुल पर अखिलेश का तंज सज गया, थर्ड फ्रंट का मंच। लोकसभा का चुनाव 2024 में है, लेकिन दिल्ली का पारा अभी से चढ़ने लगा है, क्योंकि डीडी के गढ़ में 3 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर अखिलेश ने 24 का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि डीडी के गढ़ में 3 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर अखिलेश ने न सिर्फ 24 का बिगुल बजा दिया है, बल्कि यूपी की सभी 80 सीट पर भाजपा को हराने की हुंकार भर दी है। हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अखिलेश के इस बयान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि एक दिन पहले शिवपाल यादव ने यूपी में 50 सीट जीतने की बात कही थी, जिस पर अब भाजपा ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखो, देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। मैंने सुना है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और उन्होंने कहा कि हम 2024 में 50 सीटें जीतेंगे। मैंने कहा गलती कर रहे होंगे, 5 हटा लो तो 0 जो उसके बाद बचता है उसको अपने पास। अब समाजवादी पार्टी को अगर 50 सीटें जीतनी होती, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या वेस्ट बंगाल में जाके वो अपने राष्ट्रीय कार्य समिति करते हैं क्या? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में प्रदेश कार्य समिति करके इस बात के लिए संकल्पित हो रहा है कि 80 में से 80 जीतने का टारगेट है और जीतेंगे। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए अखिलेश यादव इस बार लोकसभा की 80 सीटों पर दोबारा मैदान में उतरेंगे। लेकिन हालांकि हिंदुत्व के इस कार्ड के साथ कितनी सफलता हासिल होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये भी जानते हैं कि 80 सीटों पर लोकसभा की उत्तर प्रदेश की जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन सीधा निशाना बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कहते हुए कि भले ही राज्य में एक ओर बीजेपी की सरकार हो और दूसरी ओर केंद्र की सरकार में भी बीजेपी हो, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी बीजेपी को इसका फैसला समाजवादी पार्टी तय करेगी। आपको बता दें कि कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाजवादी पार्टी ने 24 के लिए अपना पूरा एजेंडा साफ कर दिया है कि किन मुद्दों पर लड़ना है और किन से बचकर चलना है, क्योंकि अखिलेश ने जातीय जनगणना पर बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है, जिसका मतलब साफ है कि सपा अपने यादव मुस्लिम वोट में न सिर्फ ओबीसी जातियों को जोड़ना चाहती है बल्कि अपनी पकड़ अति पिछड़े वोट तक पहुंचाना चाहती है। जातीय जनगणना होनी चाहिए,
उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। लेकिन जहां भाजपा को चुनौती देते नजर आए वहीं कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी भूमिका वो खुद तय कर सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पिछला विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े हैं और अगर हम वोट ऑफ परसेंटेज देखें जिन दलों को साथ लेकर के चले थे, अभी तक का सबसे अच्छा परसेंटेज जो वोट है। इंडिविजुअली अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो हम 38% तक वोट पाए हैं। अगर हम अलायंस का देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है वो 36% वोट मिला है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राहुल ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए सपा को क्षेत्रीय पार्टी बताया था। अब अखिलेश के इस बयान को राहुल के उस बयान का जवाब माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश ने अपनी कार्यकारिणी के पहले ही दिन ममता बनर्जी के साथ मुलाकात कर न सिर्फ थर्ड फ्रंट को धार दी थी बल्कि ये बात भी साफ कर दी थी कि सपा और टीएमसी भाजपा और कांग्रेस से बराबर दूरी बनाकर चलेगी। मतलब जो गठबंधन अखिलेश बना रहे हैं उसमें कांग्रेस की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश की कोशिश उन दलों को एक मंच पर लाने की है जिनकी भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल गुरुवार को शुरू हुई थी वो वक्त से पहले खत्म हो गई, क्योंकि जो मांग बिजली कर्मचारी कर रहे थे उसे सरकार ने मान लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर मांगे माननी ही थी तो पहले क्यों नहीं मांगी, क्योंकि अगर मान ली होती तो 65 घंटे का टॉर्चर लोगों को नहीं झेलना पड़ता। खत्म हुई हड़ताल, टॉर्चर वाले अंधेरे से आजादी। काम पर लौटे बिजली कर्मचारी, हड़ताल पर सियासत भारी। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बिजली के अभाव में वो कैसे पढ़ रहे होंगे। बिजली कर्मचारियों की जिस 72 घंटे की हड़ताल ने उत्तर प्रदेश को बिजली के संकट में डाल दिया था वो 65 घंटे बाद खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार ने बिजली कर्मचारियों की न सिर्फ सभी मांगों को मान लिया है बल्कि जितने भी कर्मचारियों को गिरफ्तार और बर्खास्त किया था उन्हें भी राहत दे दी है। दोपहर को ये बात पूरी हुई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तुरंत की बात है कि मैंने उनसे यही कहा कि आंदोलन खत्म हुआ तो आप तुरंत अपने कार्य पे लग जाएं और विशेष रूप से जहाँ बाधित है उन चीजों को देख करके तात्कालिक ठीक करें। ऊर्जा मंत्री से बात करने के बाद बिजली कर्मचारियों ने तुरंत ही अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के साथ पिछले साल दिसंबर में हुए समझौते को लागू कराने का आश्वासन दिया। वह समझौता जिसको मानने से पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन इनकार कर रहा था, आज उन्हीं के सामने उन्होंने घोषणा किया है कि इस समझौते की और अन्य मांगों की, जैसे ओबरा अनपारा का मामला है, नई बिजली इकाइयाँ लगनी है, इन सब बातों पर उन्होंने कहा वार्ता करके इस पर कार्रवाई करिए और जितने एक्शन लिए गए थे कर्मचारियों पर निलंबन के, निष्कासन के, FIR के, वह उन्होंने कह दिया, उनको वापस लेने का निर्णय है और वापस लेने के निर्देश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हड़ताल से प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी, जिस पर सरकार ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल 22 नेताओं पर एस्मा के तहत कार्रवाई की थी। वहीं 29 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 3000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सरकार के इस एक्शन पर बिजली कर्मचारी ने भी खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि अगर किसी भी कर्मचारी पर कोई भी एक्शन हुआ तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल जाएगी। बिजली कर्मियों की 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल आखिर आज ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म हो गई। ऊर्जा मंत्री ने आज बिजली कर्मियों से मुलाकात की, जो एसोसिएशन के लोग हैं, जो संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे हैं, उनसे बात की, अन्य पदाधिकारियों से भी बात की और ये कहा कि जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, बैठकर बातचीत की जाएगी। इसके बाद
बिजली एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इस दौरान पूरे प्रदेश में पिछले 65 घंटों से लगातार हाहाकार की स्थिति बनी रही। लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आज हड़ताल खत्म होने के बाद आखिरकार जनता को राहत मिली। लेकिन ऐसा होता और मुश्किल बढ़ती उससे पहले सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति बन गई। लेकिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हड़ताल पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने, ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में है, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतोगत्वा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। वहीं सपा नेता पवन पांडे ने ये कहते हुए निशाना साधा है कि जब आम जनता बिजली के लिए परेशान हो रही थी तब मंत्रियों के दफ्तर में एसी चल रहे थे। मंत्रियों के आवास में फुल वोल्टेज का हाइलोजन और एसी चल रहा है। जो जिले के अधिकारी हैं, कमिश्नर, डीएम, कप्तान या जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सचिव, प्रमुख सचिव विभागों के, उनके यहां भी पूरे वोल्टेज में लाइट आ रही है, एसी चल रही है। परेशान है गरीब, परेशान है मध्यम वर्गीय परिवार, परेशान है डेली रोजी रोटी कमाने वाला। कितनी भयावह स्थिति से पूरा उत्तर प्रदेश और ये हमारा देश और ये पूरा अयोध्या गुजर रहा है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराकर सरकार ने लोगों को अंधेरे वाले टॉर्चर से बचा लिया है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जो मांग सरकार ने अब मानी वो पहले क्यों नहीं मानी, क्योंकि अगर मानी होती तो जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी वो न झेलनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र के दूसरे भाग में आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी गठन की मांग करेगा और साथ ही साथ भाजपा राहुल के लंदन में दिए बयान पर माफी की भी मांग करेगी। सत्र के पहले हफ्ते संसद में कोई काम नहीं हुआ है, सत्र के दूसरे हफ्ते भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी गठन की मांग पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर भी माफी की मांग की जा सकती है आज भाजपा द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें, सत्र के पहले हफ्ते संसद में कोई भी काम नहीं हो पाया और दूसरे हफ्ते भी अब हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 1.5 साल बाद फिर किसानों का हल्ला बोल होने वाला है। एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर किसानों की महापंचायत होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में ये महापंचायत करेगा। महापंचायत सुबह 10 बजे से रामलीला मैदान में शुरू हो जाएगी। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ ये महापंचायत करने वाला है। तो रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से महापंचायत की शुरुआत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी शुरुआत करेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला बोला जाएगा, उनके खिलाफ ये महापंचायत की जाएगी। और 1.5 साल बाद फिर से किसान ये हल्ला बोलने जा रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट केस में मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है और शूटआउट मामले में आज चलेगा शूटर्स के घर पर बुलडोजर। आपको बता दें, शूटर गुड्डू और गुलाम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के मामले में आज सुनवाई भी होनी है। प्रयागराज पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में पेश करेगा अपनी रिपोर्ट। तो शूटआउट मामले में आज शूटर्स के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, तकरीबन 22 दिन बीत चुके हैं, अभी तक शूटर्स पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाए हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शूटर्स को पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। और उसी कड़ी में आज सभी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आज प्रयागराज पुलिस सीजेएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं। नाबालिग बेटों को लेकर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, लेकिन उसी बीच आज बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर चलेगा। अतीका गुर्गा गुलशन आगरा जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। झांसी जेल से आगरा जेल उसको ट्रांसफर किया गया। अतीक का खास गुर्गा बताया जा रहा है, गुलशन उर्फ गुलाब यादव। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक का गुर्गा बताया जाता है गुलशन, जो कि आगरा जेल से अब ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें,
अब झांसी जेल से उसको आगरा जेल ट्रांसफर किया गया है। खास गुर्गा गुलशन उर्फ गुलाब यादव अतीक का खास गुर्गा बताया जाता है। पहले आगरा जेल में था लेकिन अब झांसी जेल ट्रांसफर कर दिया गया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। आज मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें पेश हो चुकी हैं और उन्हीं दलीलों के बेसिस पे आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि आज ही मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि दलीलें पहले ही पेश हो चुकी हैं। वही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में भी आज सुनवाई होगी। आज फैसला आ सकता है। सुनने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। आपको बता दें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। 13 मार्च को जिला अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। शासकीय व्यस्तता के चलते ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाया था और लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए पिछड़ी जाति के मतदाताओं को जोड़ने के लिए कानपुर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और आर्यनगर में आयोजित इस बैठक में बीजेपी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई भाजपा नेता और मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर नरेंद्र कश्यप ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का संकल्प दोहराया। वही केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पिछड़ों के नेता नहीं, जबकि भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत इस बार होने वाली है। तो 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का मंत्र दोहराया है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद जोरों पर है। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप इसमें शामिल हुए, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल थे। कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ओबीसी मोर्चा की इस बैठक में मौजूदगी देखने को मिली। स्वयं पिछड़ा वर्ग विरोधी है और उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार, उनका घर है, पिछड़े वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं। जहां तक चुनाव में ये विषय आगे बढ़ा है तो माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के तहत संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही चुनाव में जाएंगे। यादव जी ना पिछड़ों के नेता थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। वो एक परिवार को अगर पिछड़े वर्ग का मानते हैं तो एक परिवार पिछड़ा वर्ग नहीं होता है। पिछड़े वर्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में 54% है। उस 54% के वो नेता नहीं हो सकते। लेकिन जिस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी समझती है कि यादव उनका वोट बैंक है, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। आज पहली बार मोदी जी ने 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार दिया। कभी मुमकिन हुआ? ये लोग कांग्रेस हो, वामपंथी हो, क्षेत्रीय, अपने परिवार के हित के लिए ही सोचे थे, मगर कभी पिछड़ा वर्ग आयोग के, पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के लिए, उन्नति के लिए कभी सोचे? खबर सोनभद्र से है जहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलों से सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। आधा फीट तक सड़क पर ओले गिरे थे। आपको बता दें पहली बार जनपद में इतने ओले देखने को मिले। तो ओलावृष्टि हुई है, भीषण ओलावृष्टि यहां पर हुई है। आधा फीट तक सड़क पर ओले देखने को मिले और पहली बार जनपद में इतने ओले गिरे। लोग भी इन ओलों को देखकर हैरान हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह सफेद ओलों की चादर वहां पर बिछ गई। ऐसा लग रहा है मानो वहां पर स्नोफॉल हुआ हो। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश भी थी, साथ में ओले भी गिरे हैं। बिल्कुल बर्फ की सफेद चादर जैसे नजर आ रही है ओले। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ओलावृष्टि यहां पर देखने को मिली है और पहली बार सोनभद्र में इतने ओले गिरे हैं। हालांकि ओलों से बताया जा रहा है कि किसानों को खासा नुकसान हुआ है, फसलों को खासा नुकसान हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से थोड़ा निजात मिला है।
और खबर उन्नाव से है, जहां पर मामूली विवाद में युवक ने घर में घुसकर मारपीट की है। दंपति और उसके बेटे के साथ युवक ने मारपीट की। मारपीट में पिता और बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल होने लगा है। दही थाना क्षेत्र के राजेपुर का ये पूरा मामला है। देखिए तस्वीरें दिखा रही है, दंपति और उसके बेटे के साथ युवक ने मारपीट की है। हालांकि दोनों अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पिता और बेटे को गंभीर चोटें आई है, अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। दही थाना क्षेत्र के राजेपुर का ये पूरा मामला। और खबर मुजफ्फरनगर से है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 12 घंटे के अंदर पुलिस की 3 मुठभेड़ हुई है। तीनों मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हैं। सभी बदमाशों पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तितावी रामराज नगर थाने में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो 4 मुठभेड़ 12 घंटे के अंदर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 50 से ज्यादा मुकदमों में ये सभी बदमाश फरार चल रहे थे। बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी है। और खबर बस्ती से है, हड़ताल खत्म होने के बावजूद 90 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं आई है। विद्युत उपकेंद्र शंकरपुर कुदराहा में बिजली आपूर्ति बाधित है। आपको बता दें, हजारों ग्रामीण के घरों में बिजली ना आने से जनता जूझ रही है। और विद्युत में ना आने से लोग मोमबत्ती और टॉर्च का सहारा ले रहे हैं। रात में गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। आम जनजीवन प्रभावित हो रखा है। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद यहाँ पर अभी तक बिजली नहीं बहाल हो पाई है। तो 90 घंटे बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली यहां पर नहीं आ पाई है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। टॉर्च, अलाव, इन सभी का सहारा लेकर वहां पर दिन काटने को मजबूर है लोग। मथुरा में महावन सहकारी समिति के चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ पर भाजपा जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने जिला उपाध्यक्ष पर दूसरी पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तुरंत ही जिला उपाध्यक्ष को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार के निर्माण को लेकर सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों ही पक्ष दिल्ली गेट थाने पहुंचे। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। दिल्ली गेट थाना पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली भेज दिया, जहां पूर्व सपा विधायक जमीर उल्लाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर दी। वहीं सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।